रुचिरा भाग तीन। रुचिरा तृतीयो भागः अष्टम वर्गाय संस्कृत पाठ्य पुस्तकम् पृष्ठ संख्या उन्सठ नवमा पाठः सप्त भगिन्यः सप्त भगिनी यह एक उपनाम है उत्तर पूर्व के सात राज्य विशेष को उक्त उपाधि दी गई है इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है इन्हीं के सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य को ध्यान में रखकर प्रस्तुत पाठ का सृजन किया गया है इस पाठ का उद्देश्य है प्रत्ययों का ज्ञान देना पाठ इस प्रकार है इसमें अध्यापिका और उनकी छात्राओं के मध्य होने वाली वार्ता के आधार पर संवाद के आधार पर उत्तर पूर्व के सात राज्यों की सांस्कृतिक चर्चा की गई है पाठ प्रारंभ होता है अध्यापिका के संवाद से पाठ इस प्रकार है अध्यापिका सुप्रभातम छात्रा सुप्रभातम सुप्रभातम अध्यापिका भवतु अद्य किम पठनीयम छात्रा वयम सर्वे स्वदेशस्य राज्यानाम विषये ज्ञातुम् इच्छामः अध्यापिका शोभनम् वदत अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति सायरा चतुर्विंशतिः महोदये सिल्वी नहीं नहीं महाभागे पंचविंशतिः राज्यानि सन्ति अध्यापिका अन्यह कोऽपि स्वरा मध्ये एव महोदय मे भगिनी कथयति यदस्माकं देशे अष्टाविंशति राज्यानि सन्ति एतदतिरिच्य सप्त केन्द्रशासित प्रदेशाः अपि सन्ति अध्यापिका सम्यक् जानाति ते भगिनी भवतु अपि जानीथ यूयं यदेतेषु राज्येषु सप्त राज्यानां एकः समवायोऽस्ति यह सप्त भगिन्यः इति नामना कथितो पृष्ठ संख्या साठ सर्वे साश्रयम् परस्परं पश्यन्तः सप्त भगिन्यः सप्त भगिन्यः निकोलसः इमानि राज्यानि सप्त भगिन्यः इति किमर्थं कथ्यन्ते अध्यापिका प्रयोगो प्रतीकात्मको वर्तते कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्याम साम्यात इमानी उक्तोपाधि न समीक्षा कौतूहल में न खलु गच्छति श्रावयतु तावद यत कानि तानि राज्यानि अध्यापिका श्रृणुत अद्वयम् मत्रयम् चैव नात्री युक्तम् तथा द्वयम् सप्त राज्य समूहोयम् भगिनी सप्त अकमतम इत्थं भगिनी सप्तके इमानि राज्यानि सन्ति अरुणाचलप्रदेशः असमः मणिपूरम् मिजोरमः मेघालयः नागालैंडः त्रिपुरा चेति यद्यपि क्षेत्र परिमाणैः इमानि लघुनी वर्तन्ते तथापि गुणगौरव दृष्ट्या बृहत्तराणि प्रतियन्ते सर्वे कथम् कथम् अध्यापिका इमाह सप्त तब भगिन्या स्वीय प्राचीने तिहासे प्रायः स्वाधीना एव ह न केनापि शासके न इमाह स्वायत्ती अनेक संस्कृति विशिष्टायां भारत भूमौ एतासम भगिनी नाम समस्कृते ह महत्वाधायी इति तनवी अयम शब्दा ह कदा प्रयुक्ता अध्यापिका श्रोता मधुर शब्दो यम विगत शतब्दस्य द्विसप्तति तमे वर्षे त्रिपुरा राज्यस्य उद्घाटन क्रमे केनापि प्रवर्तितः अस्मिन्नेव काले एतेषाम राज्यानां पुनः संगठनं विहितम् स्वरा अन्यत कीमापि वैशिष्ट्यमस्ति एतेषा पृष्ठ संख्या 61 अध्यापिका नूनम अस्ति एव पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृति प्राकृतिक संपद्भि सुसमृद्धा सी इमा राज्या भारत वृक्षे पुष्पस्तबक सदृशा विराजन्ते एतानि राजीव भवती गृह यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवती तथा भारत गृह सर्वाधिकाः रम्याः इमाः सप्त भगिन्यः सन्ति अध्यापिका मनस्यागताते ते इयं भावना परमकल्याणमयी परं सर्वे न तथा अवगच्छन्ति अस्तु अस्ति तावदेतेषां विषये किञ्चित् वैशिष्ट्यमपि कथनीयम् सावहितमनसा शृणुत जनजातिबहुलप्रदेशोऽयं गारो खासी नगा मिजो प्रभिताया ह बहवा जनजाती या ह अत्र निवासंति। शरीरे न ऊर्जस्विना ह एतद् प्रादेशिका ह बहुभाषाभे समन्विता ह। पर्व परंपराभे परिपूरिता ह। स्वलीला कलाभिष्चा निष्ठाता ह संति। मालति महोदये तत्रतु वन्त्यवरिकशा अध्यापिका आम प्रदेशेष्मिन हस्त शिल्पानाम बाहुल्यम वर्तते आवस्त्राभूषणे भ्यः ग्रीहा निर्माण पर्यंतम् प्रायः वंशवृक्ष निर्मितानाम वस्तुनाम् उपयोगहक्रियाते यतो हि अत्र वंशवृक्षानाम प्राचुर्यम् विद्यते साम्प्रतम् वंशोद्योगोयम् अन्ताराष्ट्रियक् ख्यातिम् अवापतोष्टे अभिनवः भगिनी प्रद ज्ञायते सलीमा किम भ्रमणाय भगिनी प्रदेशोयम समीचीन सर्वे छात्रा उच्च महोदय आगामिनी अवकाशे वयम तत्रैव गन्तुम् इच्छामः स्वरा भवत्यपि अस्माभिः सार्धं चलतु तो। अध्यापिका रोचते मेयं विचारः एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थं स्वर्गसदृशानि इति पृष्ठ संख्या बासठ शब्दार्थम बहुत अच्छा पढ़ना है ज्ञातुम जानने के लिए कति कितने चतुर्विंशति ही चौबीस पंचविंशति पच्चीस भगिनी बहन अष्टाविंशति अट्ठाईस केंद्र शासित प्रदेश केंद्र द्वारा शासित प्रदेश अति अतिरिक्त भवतु अच्छा, समवाया समूह, प्राथिता ह, प्रसिद्ध, प्रतीक आत्मका प्रतीक जमा आत्मका सांकेतिक, कदाचित संभवतः साम्यात् समानता के कारण उक्त उपाधिना उक्त जमा उपाधिना कही गई उपाधि से या कही गई उपाधि के कारण नामनी नाम में पृष्ठ संख्या अपरत दूसरी ओर क्षेत्र परिमाण क्षेत्रफल से लघुनी छोटे गुण गौरव दृष्टिया गुण एवं गौरव की दृष्टि से बृहत्तराणी बड़े स्वाधीना स्वा अधीना स्वतंत्र स्वायत्तीकृता अपने अधीन किए गए महत्वाधाय महत्व जमा आधायिनी, महत्व को रखने वाली या महत्वपूर्ण श्रुत मधुर शब्द सुनने में मधुर शब्द प्रभृति भी आदि से विधि पूर्वक किया गया प्राकृतिक संपद भी प्राकृतिक संपदाओं से बहुत समृद्ध भारत वृक्षे भारत रूपी वृक्ष में या भारत रूपी वृक्ष पर सदृशानी पुष्प के गुच्छे के समान प्रिय अर्थात हृदय को प्रिय लगने वाली मनोरम रम्या, रमणीय, मनसा सावधान मनसेजस्वीन ऊर्जा युक्त पर्व परंपरा भी पर्वों की परंपरा से परिपूरिता पूर्ण या भरे पूरे समभिनंदनीय स्वागत योग्य समीचीन बहुत अच्छा स्वलीला कला भी अपनी क्रिया एवं कलाओं से निष्णाता पारंगत निपुण वंश वृक्ष निर्मिता नाम बास के वृक्षों से निर्मित अवाप्त प्राप्त बफ़ाकर्षकः बहु जमा आकर्षक अत्यंत आकर्षक या अत्यधिक आकर्षक पृष्ठ संख्या चौसठ अभ्यास अभ्यास संख्या एक उच्चारण कुरुत सुप्रभातम्। महत्वाधायिनी पर्व परंपरा भी चतुर्विंशति वंशवृक्ष निर्मता सप्तिन्य प्राकृतिसंप वंशोद्योगो गुणगौरवृष्ट पुष्पकृशा अंतरराष्ट्रीय ख्याति अभ्यास संख्या दो प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति ख प्राचीन इतिहासे काह स्वाधिनाह आसन ग केषां समवायः सप्त भगिन्यः इति कथ्यते घ अस्माकं देशे कति केंद्र शासित प्रदेशाः सन्ति गंगा सप्त भगिनी प्रदेशे कह उद्योग सर्वप्रमुखः अभ्यास संख्या तीन अधोलिखित पदेशु प्रकृति प्रत्यय विभाग कुरुत जैसे पद है गंतुम इसमें प्रकृति गम है और प्रत्यय तुमन है इसी प्रकार आगे के शब्दों से प्रकृति और प्रत्यय को पृथक करना है ये शब्द है क्तुम खुम तुम घोतुम भ्रमितुम पृष्ठ संख्या 65. अभ्यास संख्या चार पाठात चित्वा तद्भव पदा कृते संस्कृत पदा लिखत जैसे सात तद्भव पद है इसका संस्कृत पद सप्त है इसी प्रकार आगे लगभग पांच तद्भव पद दिए गए हैं जिनके संस्कृत पद आपको लिखना है कहीन ख संगठन, ग, ग, आज गा, खेत अभ्यास संख्या पांच भिन्न प्रकृतिकम पदम चिन्हुत यहाँ कुछ जैसे क है ख है गा है, इसमें पांच पांच शब्द दिए गए हैं इन पांच शब्दों में चार की प्रकृति एक समान है पांचवे की प्रकृति भिन्न होगी वो पांचवा शब्द कौन सा है उसे आपको बताना है क गच्छति, पठती धावति अहसत, क्रीडति ख छात्रा ह, सेवा लेखिका ह, ग का ह, पत्रम, मित्रम आम्र नक्षत्र व्याघ्र भल्लूक गज कपोत वृषभ सिंह न पृथिवी वसुंधरा धरित्री यानम वसुधा अभ्यास संख्या मंजूषा क्रियापदा रिक्तस्थानानि पूरयत मंजूषा में जो क्रियापद हैं वे हैं संति अस्ति प्रतीय वर्तते इच्छामि निवसन्ति और वर्तन्ते इन्हीं क्रियापदों को आगे के वाक्यों में भरना है और ये वाक्य है प्रतीकात्मक रिक्त स्थानम ख सप्त केंद्र शासित प्रदेश रिक्तस्थान ग अत्र बहवा जनजाति यहाँ रिक्तस्थानम् घा अहम् किमापि श्रोतुम् रिक्तस्थानम् गा तत्र हस्त शिल्पीनाम् बाहुल्यम् रिक्तस्थानम् चा सप्तभगिनी प्रदेशाह रम्याह ह्रिद्या च रिक्तस्थानम् चा गुणगौरव दृष्टिया इमान बृहत्तरा रिक्त अभ्यास संख्या सात विशेषणा उचित मेलनम कुरुत यह दो स्तंभों में शब्द दिए गए हैं प्रथम स्तंभ में विशेष्य पद है और द्वितीय स्तंभ में विशेषण पद है विशेष्य पदों को विशेषण के पदों से मिलाना है सबसे पहले विशेष्य पदानी मैं इसे पढ़ता हूं कय ख संस्कृति विशिष्टायाम ग महत्वाधाय घाचीने अब विशेषण पद जिससे आपको विशेष्य पद मिलाने हैं वो पढ़ रहा हूं क संस्कृति ख इतिहासे ग प्रदेशः घ समवायः ञ भारतभू पृष्ठसंख्या 66 योग्यता विस्तारः अद्वयं मत्रयं च एव नात्रीयुक्तं तथा द्वयं सप्तराज्यसमुहोयं भगिनी सप्तकम् मतः यह राज्यों के नामों को याद रखने का एक सरल तरीका है इसका अर्थ है अ से आरंभ होने वाले दो म से आरंभ होने वाले तीन न ना से नागालैंड और त्रि से त्रिपुरा का बोध होता है इसी प्रकार अठारह पुराणों के नाम याद रखने के लिए यह श्लोक प्रसिद्ध है मदद्वयम चैव चय व चतुष्टयम अनापलिंग कुस्कानी पृष्ठ संख्या सड़सठ सप्तनी इस उपनाम का सर्वत प्रथम प्रयोग उन्नीस में श्री ज्योति प्रसाद सैकिया ने आकाशवाणी के साथ भेंटवार्ता के क्रम में किया था इनके अंतर्गत आने वाले राज्यों का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में भी प्राप्त होता है यथा महाभारत रामायण पुराण आदि इन राज्यों की राजधानी क्रमशः इस प्रकार है अरुणाचल प्रदेश इटानगर असम दिसपुर मणिपुर इम्फाल मिजोरम एजोल मेघालय शिलोंग नागालैंड कोहिमा त्रिपुरा अगरतला बिहु मणिपुरी नानक्रम आदि इस प्रदेश के प्रमुख नृत्य हैं। नगा मिजो खासी असमी बांग्ला पदम बोडो गारो जयंतिया आदि यहाँ की प्रमुख भाषाएं हैं सप्त संख्या पर कुछ अन्य प्रचलित नाम है सप्त सिंधु सप्त भगिनी के समान सप्त सिंधु भी हैं ये सप्त सिंधु हैं सिंधु शुतुद्री जिसका आधुनिक नाम सतलज है इरावती जिसका आधुनिक नाम राबी है वितस्ता जिसका आधुनिक नाम झेलम है विपाशा जिसका आधुनिक नाम व्यास है असिक्नी इसका आधुनिक नाम चिनाब है और सरस्वती इसी प्रकार सप्त पर्वत ये पर्वत हैं महेंद्र मलय हिमवान अर्बुद विंध्य सहयाद्री और श्री शैल सप्तषि ये सात ऋषि हैं मरीच पुलस्त्य अंगिरा क्रतु अत्रि पुलह और वशिष्ठ कृष्णनाथ की पुस्तक अरुणाचल यात्रा जो वाग्देवी प्रकाशन बीकानेर से 2002 में प्रकाशित है पठनीय है परियोजना कार्यम पाठ में स्थित आदि वाली पहली से सातों राज्यों के नाम को समझो रुचिरा भाग तीन अभी आप सुन रहे थे आठवीं कक्षा के लिए संस्कृत की ध्वनि पाठ्य पुस्तक प्रस्तुति सी आई ई टी -E एन सी आर टी -E